और डी डी का ओवरव्यू देखा था आज हमने इनको तफसील के साथ पढ़ना है तो आज हम स्टार्ट करते हैं जेन बैंक ई एम बी एल और डी डी को हम देख लेते हैं और इनके इंटरफेस इनके करेक्टरिस्टिक्स और इनके अंदर जो इनका फाइल फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं कि कैसा होता है तो हमारे पास जो डेटाबेसेस होते हैं उसमें से हमने फिर बायोलॉजिकल डाटा बेस पढ़े थे और बायोलॉजिकल डाटा बेस के अंदर हमारे पास प्राइमरी डाटा बेस होते हैं सेकेंडरी डाटा बेस होते हैं फिर स्पेशल डेटा बेस होते हैं हमने सबको बारी बारी पढ़ना है आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा बेस प्राइमरी डाटा बेस में सबसे पहला जो है वो जैन बैंक जैन बैंक जो है बेस्ट नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटा बेस है और ये एन की तरफ से कंट्रोल किया जाता है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है ये 1979 के अंदर बनाया गया था बट इसको रीनेम किया गया था 1982 के अंदर यानी फंक्शनल इसको बनाया गया था 1982 के अंदर और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं 76 मिलियन सीक्वेंस एंट्रीज इसके अंदर अब तक मौजूद हैं यानी इतना बड़ा ये सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है ये इसका इस तरह का इंटरफेस नजर आता है जब हम गूगल के ऊपर जाके पुट करते हैं जैन बैंक तो हमारे पास जो इसका इंटरफेस है जो इसका पहला पेज है वो इस तरह का हमें दिखता है नजर आता है जैन बैंक का जो फाइल है जो इसकी फ्लैट फाइल है वो तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है पहले पार्ट्स को हेडर बोलते हैं दूसरे को फीचर्स और तीसरे को ओरिजिन बोलते हैं ये इसकी एग्जाम्पल है, हेडर है फीचर है और सीक्वेंस है अभी हम आगे चल के इसको तफसील से देखेंगे Header section में कौन सी चीजें होती है Header section में सबसे पहले होता है लोकस लोकस क्या होता है इसमें डेटाबेस आइडेंटिफायर होता है कि डेटाबेस के अंदर हमारा यह सीक्वेंस कहाँ पे पड़ा हुआ है फिर सिक्वेंस लेंथ होती है इस जीन की कितनी लेंथ है उसके बाद मालिकुलर टाइप होती है कि जो आपने सीक्वेंस रिट्रीव किया इसके अंदर आया वो डीएनए है या आरएनए है इसके अलावा इसके अंदर 17 डिवीजन होती हैं और वो इस बेस पे होती हैं यानी कि स्पीशीज की बेस पे के हमारे पास अगर तो प्लांट के लिए प्लांट का सीक्वेंस है तो वो पी एल एन होगा उसके लिए लिखा हुआ और पी आर आई होगा प्राइमेट्स सिक्वेंसिस के लिए और फिर एम ए एम और बी सी टी बी सी टी बैक्टेरिया के लिए ई एस टी एस टी सिक्वेंसिस के लिए होता है फिर नेक्स्ट उसके आगे डेट लिखी होती है अब मैं ऑनलाइन आपको अभी एक्सेस करके इसकी दिखाऊंगा फिर आपको सही समझ आएगा उसके बाद होता है हमारे पास जो हैडर का नंबर टू पॉइंट है डेफिनेशन डेफिनेशन के अंदर क्या होता है नेम ऑफ द सीक्वेंस होता है जो हमने सीक्वेंस सर्च आउट किया है उसके बाद उसकी टेक्सोनोमी होती है फिर उसके बाद उसका सीक्वेंस कंप्लीट है या पार्शल है वो बताया होता है उसके बाद उसके बाद नीचे हेडर में आ जाता है एक्सेशन जो रिसर्चर ने पब्लिश करवाया था अपना सीक्वेंस उसके अगेंस्ट उसको एक्सेशन नंबर मिला हुआ है उसका आईडी नंबर मिला हुआ है उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का वो एक्सेशन नंबर जो होता है वो टू लेटर्स और फाइव डिजिट्स पे मुश्तम हो सकता है या फिर वन लेटर और सिक्स डिजिट्स पे मुश्तम होता है फिर उसके अलावा वर्जन नंबर होता है यानी के एक्सेशन नंबर तो है लेकिन सीक्वेंस कितनी दफा पुट करवाया गया पब्लिश करवाया गया कितनी दफा उस पर काम हुआ उसको वर्जन नंबर बोलते हैं फिर उसके अलावा जीन आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है या जीन इंडेक्स नंबर होता है उसके बाद हमारे पास होता है ऑर्गेनिज्म हेडर के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है कि कहाँ से ये लिया गया और कौन सी स्पीशीज से लिया गया और उस स्पीशीज का साइंटिफिक नेम वहां पे लिखा होता है टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन होती है उसके बाद होता है रेफरेंस रेफरेंस के अंदर आथर का नेम होता है और इसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिश्ड वर्क होता है इसकी इंफॉर्मेशन होती है उसके बाद होता है नीचे जर्नल जर्नल क्या होता है जर्नल भी एक किस्म का डेटा बेस ही, ही है हम डिफरेंट किस्म के जर्नल्स के अंदर अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करवाते हैं साइंस हो गया नेचर हो गया ये जो है ये जर्नल्स होते हैं हम किसी जर्नल के अंदर यानी इस तरह के एक डेटाबेस के अंदर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं उसको जर्नल बोलते हैं और वो क्या करता है कि साइटेशन इंफॉर्मेशन के पास रखता है जर्नल वाले इस सेक्शन में हेडर के वाले में हमें बताता है कि ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है आपका इसका जो पेपर था रिसर्च पेपर कौन से वाले जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है फिर उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द हेडर इज द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द सीक्वेंस सबमिटर तो जिसने सीक्वेंस सबमिट करवाया उसका डाटा या बायोडाटा वहां पे लिखा होता है फिर उसके बाद नंबर आ जाता है उस फाइल का फीचर्स सेक्शन फीचर्स फीचर के अंदर जीन एंड जीन प्रोडक्ट के बारे में दिया होता है जैसा कि और उसके बारे में हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन है वैसे फीचर्स के अंदर उस जीन का कौन से वाला प्रोटीन बनेगा और जीआई नंबर जीन आइडेंटिफिकेशन नंबर वहां पे दिया होगा का तो यहाँ पे जो प्रोटीन उसकी बनती है वो भी सीक्वेंस प्रोटीन भी दिया होता है कि ये वाली प्रोटीन इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की बन रही है उसके अंदर फिर सोर्स होता है सेक्शन में फिर होता है जीन जीन दिया होता है न्यूक्लियोटाइड कोडिंग सीक्वेंस दिया होता है और इट्स का नेम दिया होता है कि इतना जो पार्ट है वो कोडिंग है और सी डी एस कंप्लीमेंट्री डीएन वहां पे दिया होता है बाउंड्रीज ऑफ सीक्वेंस डेट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड्स, तो कौन से वाले कोडॉन्स या कौन से एग्जो दिए होते, होते हैं कि कहाजोन्स पड़े हुए हैं जिन्होंने प्रोटीन बनानी है फिर ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस यानी कि प्रोटीन ट्रांसलेट करके वहां पे सीक्वेंस रखे होते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसिस पड़े होते हैं तीसरे नंबर पे इस फाइल का जो पार्ट है वो है ओरिजिन ओरिजिन के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पड़ा होता है यानी जो है वो पड़ा होता है मेन मकसद हमारा प्राइमरी डाटा बेस का मेन मकसद है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को लेना और इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को लेके कॉपी करना अपने पास सेव करके रख लेना और नेक्स्ट यूटिलाइज करना और एनालाइज करना मेन हमारा मकसद ये है तो जितने भी हमने ऊपर इसके जो हैडर पड़ा सेक्शन और फिर फीचर का सेक्शन पढ़ा उसके अंदर फिर सब हेडिंग्स थी जो इसकी वो सब हमने पढ़ा लेकिन जो मेन हमारा थीम है वो रिजन है region के अंदर हमारा सीक्वेंस पड़ा होता है हमारा काम सीक्वेंस के साथ होता है अब इसके बहुत सारे फार्मेट्स होते हैं जब हम उन फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं लेकिन फास्टा फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है फास्टा फॉर्मेट सबसे बेस्ट होता है क्योंकि जब हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के किसी भी सॉफ्टवेयर एंड टूल को यूज करते हैं तो वो फास्टा फार्मेट के अंदर इन चीज़ों को रिक्वायर करता है तो फास्ट फार्मेट ग्रेटर देन के साइन से शुरू होता है और इसमें सारे वर्ड या सारे लेटर्स कैपिटलाइज होते हैं यानी अपर केस में होते हैं ये हमारे पास पेनिसिलियम का जो मैंने करके देखा था यहाँ पे सर्च आउट करके नेट से मैंने जैन बैंक से करके देखा था और उसका मैंने वो स्क्रीन शूट करके यहाँ पे लगाया तो ये है हमारे पास हेडर फाइल हेडर फाइल के अंदर लोकस है डेफिनेशन है एक्सेशन है वर्जन है कीवर्ड है सोर्स है ऑर्गेनिजम है जो ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं फिर रेफरेंस है आथर्स है टाइटल्स है एक से ज्यादा भी आथर्स हो सकते हैं उस रिसर्च पेपर का टाइटल जिसके अंदर ये सीक्वेंस पड़ा हुआ है जर्नल किस जर्नल के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ था फिर फीचर्स है फीचर्स के अंदर सोर्स और फिर नीचे वो लिखा हो गया ये मैसेंजर आ का था उसके बाद यहाँ पे सी डी एस इसका कंप्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला ट्रांसलेट करके उन्होंने प्रोटीन का सीक्वेंस दे दिया हुआ है जो मेन हमारा मकसद है वो हमारा ओरिजिन से पाला पड़ता है हमारा जो क्योंकि हमने डीएनए का सिक्वेंस यहाँ से उठाना होता है डी एन ए के ये डेटा बेसिस तो ये है हमारा मतलूबा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको हमने यहाँ से उठाना है हमने यहाँ से इसको कॉपी करना होता है और फिर हमने अपनी फाइल के अंदर वर्ड के अंदर जाके पेस्ट कर देना होता है तो मेन थीम हमारा ये है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यहाँ से उठाना नंबर टू है हमारे पास डी ये भी प्राइमरी डाटा बेस है और ये ये जापान वालों का डाटा बैंक है और ये इनके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स के अंडर काम करता है और ये शिजोका के अंदर बनाया गया है और इसकी जो कलेबोरेशन है वो इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस को मतलब कि दूसरे जो डाटा हैं एन के साथ जैन बैंक और ई के साथ इसकी कलेबोरेशन है ये सब आपस में कलेबोरेशन के साथ चलते हैं ये बनाया गया था 1986 के अंदर और इसको फंड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द जापान डीडीजेज ऑपरेटेड बाय द सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन बायोलॉजी और ये एनसीबीआई और ईबीआई यानी कि ईएमबीएल और सीआईबी जो जापान वालों का है ये सारे आपस में कोलैबोरेट करते हैं और 24 घंटों के अंदर अंदर ये अपने सीक्वेंसस को एनोटेट कर देते हैं और लाजमी नहीं कि हम एक सीक्वेंस को सब डाटा बेस के अंदर सबमिट करवाएं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोरोना वायरस का न्यूक्रोक्वेंस फाइंड आउट किया है सीक्वेंस किया है तो एक ही डाटा बेस के अंदर मैं पुट करवाऊंगा पब्लिश करवाऊंगा इनकी आपस में खुद ही कलेबोरेशन है तो 24 घंटों के अंदर अंदर जब वो पब्लिश हो जाएगा तो खुद ही ये एक दूसरे को वो वाला सीक्वेंस शेयर कर देंगे और नंबर टू वो एक ही दफा वहां पे पब्लिश होगा ताकि नॉन रिडेंडेंट हो रेपटेशन ना आ जाए वहां पे फॉर्मेट ऑफ डी डी आइडेंटिकल टू दैट ऑफ एनसीबीआई तो इसका जो जेन बैंक का फॉर्मेट जो हमने अभी अभी पीछे पड़ा जो फॉर्मेट फाइल थी हेडर है फीचर है और है डी डी के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है वैसा ही फॉर्मेट है इसका भी इसके अंदर भी हैडर है फीचर है और रीजन है लेकिन हम रीजन के अंदर से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को उठाते हैं जो हमारा मतलूबा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ये इसका इस तरह का इंटरफेस दिखता है जब हम गूगल के अंदर लिखते हैं डी डी बीजे जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमारे पास ओपन हो गया आता है डीडी बीजे का इंटरफेस यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं कि हमने कैसे एनोटेट करना है तो हमारा मेन मकसद तो वहां पे जाकर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लेना होता है फिर डी डी बीजे का जो फॉर्मेट है सेम वैसा ही है जैसा कि जैन बैंक का था उसके अंदर हैडर है और हेडर के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं लोकस और इसकी डेफिनेशन एक्सेशन नंबर वर्यन नंबर कीवर्ड सोर्स ऑर्गेनिज्म रेफरेंस आथर्स टाइटल जर्नल आथर टाइटल जर्नल मतलब कि एक से ज़्यादा आथर भी हो सकते हैं फिर इसके फीचर्स हैं सेम वैसा ही है फीचर्स के अंदर सोर्स है रेफरेंस सीक्वेंस मैसेंजर आर एन ए सी डी एस है ये इसकी ट्रांसलेशन करके ये प्रोटीन बना के उन्होंने दी हुई है कि इस तरह की इस सीक्वेंस की प्रोटीन बन सकती है और यहाँ पे ये नीचे जो है वो इसका औरिजन तो ओरिजन के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारा पड़ा होता है जो हमारा मतलूबा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसको हमने यहाँ से उठाना होता है मज़ीद प्रोसेस करने के लिए और अपनी वर्ड की फाइल में हम इसको कॉपी पेस्ट करके सेव कर लेते हैं फिर है तीसरे नंबर पे हमारे पास ई एम बी एल ई एम बी एल भी प्राइमरी डाटा बेस है और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का डाटा बेस है इसको भी हम यूटिलाइज करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को रिट्रीव करने के लिए ई एम बी एल जो है यूरोपियन मालिकुलर बायोलॉजी लेबॉटरी है इसका डिफरेंस क्या है कि जेन बैंक और जो डी डी बीजे थे उनका फॉर्मेट फाइल का सेम था लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट है वहां पे एक्सेशन नंबर और वो जो दूसरी चीज़ें सारी लिखी हुई थी डेफिनेशन लोकस लेकिन यहाँ पे जो इसके जो फार्मेट के हेडर के अंदर वो चीज़ें नहीं लिखी थी वो पूरा प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा हुआ टू लेटर कोड्स इंस्टेड ऑफ फुल की वर्ड्स यानी कि लोकस है तो उसकी जगह पे एल एस लिख देंगे एल सी लिख देंगे इस तरह से मतलब पूरा वर्ड लोकस नहीं लिखा होगा वहाँ पे, तो एक्सेशन नंबर है तो वहाँ पे ए सी लिख देंगे इस तरह से ये हमारे पास ई का इंटरफेस आपको नजर आ रहा है जब हम गूगल के अंदर एंटर करते हैं ई एम तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस इसका नजर आता है यहाँ पे हमारे पास ये विंडो नजर आती है और विंडो के अंदर जब हम अपने पुट करते हैं कोई भी जीन जिसको हमने जिसका न्यूक्लियोटाइड हमने फाइंड आउट करना है तो वो हमें निकाल के उसका न्यूक्लियोटाइड दे देता है ई का फॉर्मेट जैन बैंक से और डी डी थोड़ा डिफरेंट है ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे सारी चीजें बिल्कुल सेम है सारी चीजें बिल्कुल सेम लिखी हुई जस्ट ये क्या है कि यहाँ पे वो पूरे पूरे वर्ड लिखे हुए थे आईडी नंबर एक्सेशन नंबर और डेफिनेशन तो यहाँ पे टू लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए है नीचे को सारी जो स्टेड लाइन नजर आ रही है आपको तो यहाँ पे जस्ट ये टू वर्ड्स यूज करते हैं बजाय इसके पूरा वर्ड यहाँ पे लिखे बाकी चीजें सारी इसमें सेम ही है और नीचे ये जो हमारा रीजन के अंदर जो न्यूक्ट सीक्वेंस पड़ा होता है बेसिकली हमने ये वाला उठाना होता है, और करना होता है। ये हमारा मतलूबा न्यूक्ट सीक्वेंस होता है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है और एनालाइज करना होता है ये था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आया होगा थैंक्स फॉर योर अटेंशन अभी मैं आपको ले चलता हूँ ऑनलाइन और मैं आपको ये तीनों जेन बैंक EMBL डी बीजे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए तो ये हमारे पास गूगल ओपन हो गया गूगल के अंदर हमने क्या करना है सबसे पहले हम लिख देते हैं जैन बैंक जब जैन बैंक लिख के हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वाला जो रिजल्ट है उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है जैन बैंक का अब यहाँ पे उसने सेलेक्ट किया हुआ है न्यूक्लियोटाइड हमने इसको एज अ न्यूक्लियोटाइड ही रहने देना है यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं हमने इसको न्यूक्लियोटाइड ही रहने दिया और यहां पे हमने विंडो के अंदर वो वाला जीन पुट करना है जो हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसुलिन मिसाल के तौर पर और एंटर दबा देते हैं ये हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट ओपन होके गए हैं हमारे पास इतने ज्यादा रिजल्ट हैं तो हम सबसे पहले वाले रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास हमारा मतलूबा रिजल्ट आ गया अब देखें कि यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सिलेक्ट किया था और इंसुलिन लिखा था और हमारे पास जैन बैंक ये आपको नजर आ रहा है जैन बैंक यानी जैन बैंक डाटा बेस के अंदर हमारे पास इंसुलिन का ये जो मैसेंजर आ रहा है यहां पे उसने लिखा है वो और इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारे पास आ गया है अब हमारे पास वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं हेडर में फीचर में वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हेडर है। के अंदर हमारे पास लोकस है डेफिनेशन एक्सेशन नंबर वर्जन नंबर कीवर्ड सोर्स ऑर्गेनिज्म फिर फीचर के अंदर हमारे पास ये यहाँ पे लिखे हुए हैं टाइटल आथर जर्नल ये सारी चीजें हमारे पास लिखी हुई हैं और सबसे नीचे हम जब जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है अरीजन, और अरीजन के अंदर हमारे पास ये वाला न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पड़ा हुआ है अब हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी कॉपी करके हम वर्ड की फाइल के अंदर जाके हम पेस्ट करके इसको सेव करके रख लेते हैं ताकि मजीद प्रोसेस करने के लिए हमें ये काम आ सके ये था हमारे पास जैन बैंक डाटा बेस जैन बैंक डाटा बेस को कैसे एक्सेस करते हैं और इस पे कैसे वर्क करते हैं अब हम देख लेते हैं डी डी हम गूगल के अंदर लिखते हैं डी डी बी जे और क्लिक कर देते हैं जो हमारे पास पहला रिजल्ट है उस पर क्लिक कर देते हैं हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आया डी डी का डी एन ए डाटा बैंक ऑफ जापान का तो अब हमारे पास जो इसका इंटरफेस इस तरह का नजर आया हमने सबसे नीचे चले जाना है और जब नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको नजर आ रहा है सर्च और सर्च के नीचे यहां पे छोटा सा नजर आ रहा है गेट एंट्री गेट एंट्री पे हम क्लिक करेंगे जब हमने गेट एंट्री पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस नजर आया और यहां पे विंडो नजर आई यहां पे सर्च वाली विंडो नजर आ रही है हमें और यहां पे लिखा हुआ है आई तो यहां पे हमने इंसुलिन का नाम नहीं लिखना या किसी जीन का नाम नहीं लिखना बल्कि वो आईडी मांग रहा है यानी आई नंबर मांग रहा है जब हम इसको एक्सेशन नंबर देंगे तो ये हमें उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करके देगा हम ये वाला एक्सेशन नंबर इसमें डाल देते हैं मिसाल के तौर पर कोई भी है और सर्च कर देते हैं जब हमने कोई भी एक्सेशन नंबर उसको दिया किसी जीन का और उसने हमें इस तरह का फॉर्मेट निकाल के दे दिया अब इस फॉर्मेट के अंदर और जैन बैंक के फार्मेट के अंदर जो हमने अभी अभी देखा निकाल के सेम है कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे उसके हेडर के अंदर लोकस है एक्सेशन है, है वर्जन है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी लोकस के अंदर देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है ये जो लोकस है ये के डाटा बेस का लोकस है क्रोमोसोम का लोकस नहीं है यानी डाटा बेस के अंदर कहाँ पे ये सीक्वेंस पड़ा हुआ है न्यूक्लियोटाइड का ये पाँच बेस पेयर का ये है और ये डी है लीनियर है और ये सारी चीजें आगे 2012 में ये पब्लिश हुआ है ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है ये सारी चीज़ें तफसील तो से नीचे देखते जाएं फीचर्स हैं फिर इसके फिर यहाँ पे इसकी प्रोटीन भी उन्होंने दी कि ये ट्रांसलेट करके ये प्रोटीन इसकी बन सकती है और ये वाला इन्होंने दिया हुआ उसका ओरिजन के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हमारा मतलूबा सीक्वेंस होता है इसको हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं अपनी वर्ड की फाइल में और सेव कर लेते हैं ये था हमारा डी डी का अब हम चलते हैं अपने थर्ड डेटाबेस यानी ई एम बी एल के पास तो ई एम बी एल जो है ई एम बी एल लिखेंगे तो ई एम बी एल से वो सीक्वेंस रिट्रीव नहीं होता ईएमबीएल e के साथ हमें ईबीआई लिखना पड़ता है क्योंकि ईएमबीएल e के साथ ईबीआई जुड़ा होता है जिसके पास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं तो हम लिखेंगे ईएमबीएल e ईबीआई और क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो पहला रिजल्ट है उस पे क्लिक कर देंगे इस तरह का हमारे पास ये इंटरफेस ओपन होकर आ गया है अब हमने यहां पे जो हमारे पास विंडो ओपन हुई है यहां पे हमने लिखना है और यहां पे जो हमारे पास आल का ऑप्शन है यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ से हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर हमने पुट करना है अपना एक्सेशन नंबर या उस जीन का नंबर जो हमें चाहिए तो हम ये वाला एक्सेशन नंबर मिसाल के तौर पर किसी भी जीन का है वो डाल देते हैं इसमें जो ऑलरेडी पहले ही हमारे पास है और हम इसको सर्च कर देते हैं अभी ये सर्च कर रहा है, अभी ये हमें रिजल्ट देगा तो उसने हमारे पास ये जो रिजल्ट दिया है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहां पे लिखा हुआ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे हम क्लिक कर देंगे और इस पे जाके क्लिक कर देंगे ये फिर हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसका निकाल के दे देगा जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमें ले गया ई एन ए के ऊपर यह हमारे पास विंडो ओपन हुई है अब इस विंडो के ऊपर हमारे पास यहां पे अगर हम देखें तो डाउनलोड का ऑप्शन है ई एम बी एल का ऑप्शन है फास्टा फॉर्मेट का ऑप्शन है तो हमने क्या करना है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ई एम बी एल के ऊपर कि ई एम बी एल के, के फॉर्मेट के अंदर हमने इसको व्यू करना है हमने क्लिक कर दिया जब हमने इसको क्लिक कर दिया तो हमारे पास इस तरह का इसका फार्मेट ओपन हो के आया है तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही वाली हैं जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे एक सेशन नंबर पूरा लिखा होता था यहाँ पे ए सी बस लिखा हुआ है टू की वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बाकी चीज़ें सारी सेम हैं जैन बैंक वाली डी वाली और प्रोटीन का सीक्वेंस और डी एन ए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पे रीजन में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तो हमारा मेन मकसद तीनों डाटा के अंदर रीजन के अंदर सबसे नीचे जाना होता है और ये वाला जो हमारे पास होता है न्यूक्लियोडाइट सीक्वेंस इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना होता है अपनी वर्ड की फाइल में